हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनोजीज लाइफस्टाइल इन गोवा। तो आज हम लोग जा रहे हैं टू एक्सप्लोर एंड म्यूजियम इन गोवा, जो कि है पेंजिम में, कैपिटल ऑफ गोवा, इन द पाटो कॉलोनी। सो वहाँ पे हमें डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, एंड ऑल्सो इट इज़ नोन एज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। एंड वो 1977 में एस्टेब्लिश हुआ था। सो वहाँ पे हमें वुडन ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। So let's go and explore the ancient history in Goa. Let's go. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चेयर्स एंड टेबल्स हैं, और इस पर जो कार्विंग्स की गई है वो इतनी क्लियर और इतनी अच्छी है कि आज भी हम लोग आफ्टर सो मेनी इयर्स वी कैन सी द डिज़ाइंस एंड स्टिल इट इज़ एज इट इज़। और यहाँ पे टेबल के बॉर्डर पे जो गोल्डन वर्क किया है वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और ये एक बड़ा सा संदूक है, इसके पीछे इससे भी बड़ा संदूक है। एंड वहाँ पे कॉर्नर में आप लोग देख सकते हैं वो है टाइपराइटर मशीन, जो कि है फर्स्ट टाइपराइटर मशीन जो कि इतनी बड़ी है। और यहाँ पे है रॉक कार्विंग्स।
पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स है ऑफ एंशियंट एरा इन गोवा, जब पुर्तगीज पीपल भगवान की मूर्तियां मंदिरों से चुराते थे, तब रानी फैमिली के वॉरियर्स ने मूर्तियों को बचाया था और ज़मीन के नीचे दफनाया था सो दैट वो पुर्तगीज को ना मिले। और जब पुर्तगीज गोवा से चले गए, तब उन्होंने फिर से मूर्तियों को निकाल के मंदिरों में स्थापना की थी। दैट टाइम रानी फैमिली वॉज रूलिंग साखली सिटी, तो उन्होंने साखली सिटी को पुर्तगीज से बचाया था। यहाँ पे ये बड़ी सी पुर्तगीज एरा की लॉटरी ड्राइंग मशीन है। लॉर्ड जीसस और उनके पेरेंट्स के कुछ स्टैचूज हैं और डिफरेंट सेंट्स ड्यूरिंग एंशंट गोवा तब के भी कुछ उनके स्टैचूज हैं। और यहाँ पे एक और एक बड़ा सा सुरंग है। आप जब गोवा विजिट करोगे तो डेफिनेटली इस म्यूज़ियम को विज़िट कीजिएगा सो दैट यू कैन सी द स्कल्पचर्स ऑफ एंशंट गोवा। और यहाँ पे एक बड़ा सा रेड सिल्क फ्लैग है जो पुर्तगाल्स का ही है। I will end my video here. Till then, bye bye, take care, be happy, be safe.